पुष्कर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में शनिवार को राजकीय चिकित्सालय के सामने नेहरू उद्यान में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंजू कुरडिया के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद एक सभा आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय गांधी ने देश के विकास के साथ ही उन्हें आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 105वीं जयंती श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में यहाँ मना रहे हैं। इंदिरा जी ने देशवासियों को अनुशासन, समय की पाबंदी और कर्मशीलता का पर चलने का आग्रह किया था और इन्होंने देशवासियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा था देशवासियों को आज का काम आज करें और आज का काम पेंडिंग में न रखें। आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ये जयंती मनाई जा रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने देश के अंदर एकता का, दलितों का और भारत को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा इंदिरा गांधी जी का योगदान रहा है। आपको ध्यान होगा, इन्होंने एक नारा दिया था कि न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोर लगेगी हाथ पर। इंदिरा गांधी जी ने जो एक हिंदुस्तान में छुआछूत का बोल बाला था, इन्होंने छुआछूत को जड़ों से नष्ट किया। पहले के समय के अंदर हम लोग दलितों के मोहल्ले में भी नहीं जाते थे, उनके साथ में भी नहीं बैठते थे। ये सारी देन प्रधानमंत्री पूर्व इंदिरा गांधी जी की देन है, जो आज हम सब भाई, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अन्य कौम का हो, आज हम साथ में बैठ करके दुख सुख की बातें करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की जो बातें करते हैं। आज हमको बहुत खुशी है इंदिरा गांधी की जयंती के ऊपर है। आज हम सब ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में आज ये जयंती हम लोग जो मतलब मना रहे हैं के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिसको आयरन लेडी के नाम से देश जानता है, और आज 105वीं जयंती हम बड़ी धूमधाम से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से मनाई गई है। आज देखिए, आज देश के अंदर पूरा जो अमेरिका है वो भी इंदिरा जी के नाम से डरता है। उन्होंने भी आयरन लेडी के नाम से कहता था, जो पाकिस्तान थे उसके जो टुकड़े कराए बांग्लादेश को आज़ादी दी रही, वो इनका खाते में जाता है। और यही है हमारे इनके जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत को लेकर हम आज इनके आगे बढ़ रहे हैं।